Hello all students, in this video we shall going to start a new chapter 70, chapter number 17, natural vegetations, यानी कि कुदरत कुदरती वनस्पति जो हमें मिलती है कुदरत से. वनस्पति अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ों इंक्लूड कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो पैरा दिया गया है, वेजिटेशन इज़ अन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. वेजिटेशन हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज अगर वेजिटेशन नहीं होंगे तो शायद ह्यूमन बींग्स भी इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट अ वेजिटेशन, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं विदाउट द वेजिटेशन जो हमारा लाइफ है वो. तो हम सिर्फ इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर रियली में हमारे पास अच्छी वेजिटेशन नहीं हो इन इस अर्थ पे तो हमारा जीना रियली बहुत ज़्यादा जो है हमारा जीना ही मतलब ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहेंगे, उनकी लाइफ नहीं रहेगी विदाउट वेजिटेशन. सो वेजिटेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, एंड इट्स इम्पोर्टेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई अवर एंशेंट स्क्रिप्चर्स एंड बाई मॉडर्न साइंस. तो हमारी जो ये इनकी इम्पोर्टेंस है वो किसके द्वारा भी एक्सेप्ट की गई है? एक तो प्राचीन शास्त्र है हमारे, उनके द्वारा, स्क्रिप्चर्स के द्वारा, और आज का जो विज्ञान है उसके द्वारा भी इसे अपनाया गया है. यानी कि वेजिटेशंस को, उसकी महत्वता को इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको एक्सेप्ट किया गया है. अब हम बात करें हमारे भारत की, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे वेजिटेशंस अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. शायद हमने कितने तो अभी तक देखे भी नहीं, और कितनी प्रजातियां या जातियां वेजिटेशन की अभी तक किसी के सामने भी नहीं आई. तो बहुत सारी जातियां प्रजातियां हैं वनस्पति की. तो अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं हमारे, तो इंडिया हैज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन डाइवर्सिटी, इंडिया होल्ड्स अ 10th पोजिशन इन द वर्ल्ड एंड द 4th इन एशिया. फॉरेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ ट्री एंड दोज ट्री विच ग्रो इन नेचुरल कंडीशन विथआउट ह्यूमन हेल्प आर कोल्ड फॉरेस्ट. तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, किसकी? नेचुरल वेजिटेशंस की. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है यहाँ पे देखी जाती है वेजिटेशन पूरे वर्ल्ड में. हमारा जो इंडिया का हम देखें अगर जो प्लेस है तो पूरे वर्ल्ड में हम आते हैं 10th नंबर पे, और अगर हम सिर्फ एशिया की कंट्री की बात करें तो हमारा नंबर है वो 4th नंबर है डाइवर्सिटी जो है नेचुरल वेजिटेशन की उसमें. अब फॉरेस्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ ट्री, तो अब यहाँ पे बात हो रही है जंगलों की. तो जंगल किसे कहते हैं हम जनरली? जो बहुत सारे अलग अलग वृक्षों से, वृक्षों का एक झुंड होता है काफ़ी सतह तक, जहाँ जो सिर्फ और सिर्फ वृक्ष पाए जाते हैं उसे हम जंगल जो कहें कह सकते हैं. और वो नेचुरल कंडीशन से उगते हैं विथआउट एनी ह्यूमन हेल्प. किसी ह्यूमन की हेल्प नहीं लेते वो लोग, ना ही उनको हेल्प पड़ती है, किसी नीड होती है किसी ह्यूमन की हेल्प की, वो खुद से ही जो है उग जाते हैं और जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं. अब देखें तो नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन है द डाइवर्सिटी इन द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. तो सबसे पहले देखें तो जो ये हमारे कुदरती वनस्पति है उसमें इतनी सारी विविधताएं हैं, और उसके कारण क्या है, मतलब कि वो किस तरह से जो है क्रिएट होती है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें दिया है कि रिलीफ फीचर. रिलीफ फीचर क्या होता है? भूपृष्ठ होता है जो भी हमारे यहाँ पे है. हमारा जो इंडिया का भूपृष्ठ है, रिलीफ फीचर है वो इम्पोर्टेंट है. सेकेंड है सॉइल, हमारी जो है इंडिया की जमीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फिर टेम्परेचर, इंसोलेशन यानी सनसाइन, सूर्य प्रकाश, रेनफॉल, और ह्यूमिडिटी यानी कि जो हमारी हमारे जो एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत भेज होता है, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें नमी होती है वो भी ज़रूरी है. तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से हमारा भारत बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वनस्पति है या डिफरेंट वेजिटेशंस है उसे अभी यहाँ पे हमारे भारत में पाई जाती है. भारत की बात करें, ड्यू टू दी डाइवर्सिटी डाइवर्सिफाइड रिलीफ लाइक अ माउंटेन
प्लेट्स, प्लांट्स एंड डिजर्ट एक्सेट्रा। तो हमारे भारत में सारे जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जमीन्स हैं, सॉइल्स हैं, टेम्परेचर पाया जाता है पूरे भारत में। हम कहीं भी मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट अगर हम स्टेट की जो है मुलाकात लेंगे तो हर स्टेट में हमें एक नया क्लाइमेट मिलेगा, एक नई जो है वहाँ पे एटमोसफियर मिलेगा। डाइवर्स पैटर्न इन वेजिटेशन इज अ सी इन इंडिया। देर आर डिफरेंट सॉइल्स, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आलूवेल है यहाँ पे, आलूवेल्स, ब्लैक माउंटेन, डिजर्ट टाइप्स एक्सेट्रा इन इंडिया। तो इतनी सारी जो है हमें जो है सॉइल मिलती है, काली है, पहाड़ी है, ऐसी डिफरेंट टाइप की सॉइल है हमें मिलती है। फिर फर्द जो है एकदम फलद्रुप जमीन होती है वो हमें यहाँ पे जनरली मिल जाती है। टाइप ऑफ दिस वेजिटेशन इन द सॉइल ऑल्सो क्रिएटेड डिफरेंट इन द वेजिटेशन, द डिफरेंट इन द टेम्परेचर वेजिटेशन, द इंसोलेशन ओवर एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन द लेटीट्यूड एंड द अल्टीट्यूड। वेजिटेशंस ग्रो विद फादर वेयर इज द मोर रेन एंड द इंसोलेशन, दस देयर इज द डाइवर्सिटी इन द वेजिटेशन ड्यू टू द सनशाइन। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज ऑल्सो अनइक्वल विच इज अ टर्न कॉज डाइवर्सिटी इन द वेजिटेशन। यहाँ पे बात हो रही है कि हमें हमारा जो सूर्य प्रकाश हमें मिलता है वो इंडिया में बहुत ही अच्छे से मिलता है, बाकी के जो देश हैं वहाँ पे इतनी अच्छी सूर्य प्रकाश नहीं मिलता जितना भारत में मिलता है। भारत में हर एक चीज़ परफेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं नेचुरल वेजिटेशंस में। यहाँ पे रेनफॉल कभी कभी उस असमानता हो जाती है, उसमें कहीं पे अच्छी रेनफॉल होती है कहीं पे नहीं होती है, पर अगर हम देखें तो हम जितने भी हमारे राज्य हैं वहाँ पे अच्छी रेनफॉल भी होती है और वहाँ पे जो वहाँ पे खाद्य प्रदेश है या वेजिटेशंस है वो अच्छे से वो लोग उगाते हैं। फिर भारत के अगर हम देखें देयर आर अबाउट 5000 वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ इन इंडिया। कितनी वेराइटीज़ है यू हैव टू नोट डाउन, 5000 वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ इन इंडिया, आउट ऑफ विच 415 ट्रीज आर यूजफुल कॉमर्शियली बेसिक बिसाइड अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, सॉरी 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो ग्रो विच फॉर्म अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड। नॉन फ्लावरिंग द हर्बन प्लांट्स अबाउट द 2,000 मेडिकल प्लांट्स आर डिस्क्राइबड इन द आयुर्वेदा, दस इट कैन बी असाइड दैट इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5000 से ज़्यादा वृक्ष हैं हमारे यहाँ, 450 जितने जो है वृक्ष वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। 15,000 टाइप्स के जो है फूल के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं हमारे यहाँ अवेलेबल्स हैं। 2000 से ज़्यादा औषधि जो है हमारे आयुर्वेद में पाई उसका वर्णन किया गया है, उसके ज़्यादा हमारे यहाँ पे औषधि पाई जाती है पर वर्णन हम लोगों ने इतनी की है। अब कुदरत की जो वनस्पति के प्रकार है तो अगर वो देखे दें ना, ट्राइब्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन देन एक्सीडेंट्स एंड द ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन डेप्थ ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ रिलीजन इन द रिलीजन ऑफ द आइडेंटिशियल क्लाइमेट द वेजिटेशन सीन इज मोस्टली आइडेंटिकल विलेजेस ऑफ सच इकोलॉजिकल सिमिलैरिटीज आर कोल्ड नेचुरल वेजिटेशन रिलीजियस ऑन द बेसिस ऑफ द एटीट्यूड्स इन सोइल एंड रेनफॉल एंड डिफरेंट टेम्परेचर द नेचुरल वेजिटेशन रिलीजन कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 टाइप्स। फर्स्ट इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकेंड इज़ अ ट्रॉपिकल डिस्टियस फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज़ अ ट्रॉपिकल डिजर्ट वेजिटेशन, फोर्थ वन इज़ अ टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड एंड फिफ्थ वन एंड मैनग्रोव यानी कि ट्रेडल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स के, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो प्रदेश है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्लाइमेट है, इस वजह से हर जगह अलग अलग जो है जंगल पाए जाते हैं। अब आगे है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फर्स्ट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।